You love cricket? Oh. Can I take a picture with you? Yes. Do you know Hindi? Say cheese. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ दिल्ली का मशहूर जंतर मंतर, एंड अगेन मैं करने वाला हूँ फॉरनर के साथ बातचीत, जो कि अगेन एक्साइटेड होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी हिट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये राजीव चौक स्टेशन है, कृपया येलो लाइन के लिए यहाँ से बदलें। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। सो ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं अभी जंतर मंतर गेट के सामने। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका मेन गेट, और यहां पर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो फटाफट से लेते हैं अपना टिकट और चलते हैं इसके अंदर। तो गाइज, मैंने अपना टिकट ले लिया है, जो मुझे पड़ा था 25 रुपीज़ का, और इसका एंट्रेंस ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसके एंट्रेंस में ही काफ़ी सारी आपको ग्रीनरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। हमें पीछे देख सकते हैं आप, वो बिल्डिंग है। तो चलिए चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये है इसका कुछ व्यू लेफ्ट एंड राइट साइड। अभी चलते हैं आगे। और ये देखिए, इसके आगे यहाँ पर लगे हुए काफ़ी सारे फ्लावर, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है सम्राट, सबसे ऊँची बिल्डिंग इसमें यही है। वैसे मेरे को यहाँ पे घूमते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, और अभी मेरे को जो है कुछ फॉरनर्स यहाँ पर मेरे को दिखे हैं। तो मैं जाने वाला हूँ उनसे बातचीत करने और उनसे पूछने वाला हूँ क्या उनको क्रिकेट पसंद है। अगर पसंद है तो उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा। चलिए चलते हैं एंड लेट्स टॉक विद हिम। हेलो, कैन आई टेक पिक्चर विद यू? हां, यस श्योर। वेयर आर यू फ्रॉम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? यस। एंड यू? ऑस्ट्रेलिया या। ओके, व्हाट्स योर नेम? जॉन। आई एम जॉन। मार्को। मार्को? यस। ओके, चीज। Yes. You love cricket? Oh, not really. No. No. You don't know what? Sorry. I know what cricket is, but I don't like it. Who's your favorite player? I don't have one. I don't like cricket. I don't. You don't like? Nah, it? I don't like cricket. You know? Nah, same. Nah. Don't watch it. Okay. Who's your favorite player? My favorite player? Yes. Virat Kohli. Who? Virat Kohli. I don't know who that is. He's an Indian player. Ah. You know about it? Who's your favorite Australian player? Stephen Smith. Yeah, you know about it? I know, yeah. Yeah. Okay, nice to meet you. Yeah, cheers. Thank you. भाई वो दोनों लोग जो है ऑस्ट्रेलिया से थे, और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्रिकेट पसंद है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। सो गाइस, इंडिया में जो है फॉरनर्स को जो है किसी भी सेलिब्रिटी से कम ट्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी इंडिया में कोई फॉरनर्स दिखता है तो उसके आसपास जो भीड़ लग जाती है काफ़ी सारी। आइए देखते हैं मजा आएगा। लेकिन एक सेकंड, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एंड एवरीवन वांट्स टू टेक पिक्चर विद हिम, नॉट एवरीवन बट ज़्यादातर लोग उसके साथ में पिक्चर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो थोड़े अलग दिखते हैं, नॉट इंडियंस। सो यही रीज़न है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। हेलो सर, कैन आई टेक पिक्चर विद यू? यस। से चीज। चीज। डू यू नो हिंदी? हाँ। डू यू नो हिंदी? ना। नो? नो। वेयर आर यू फ्रॉम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? ओके, व्हाट्स योर नेम? एलेस्टर। एलेस्टर? ओके। डू यू लव क्रिकेट? आई लाइक क्रिकेट। यू लाइक क्रिकेट? यस। हु इज योर फेवरेट प्लेयर? शेन वॉन। शेन वॉन? यस। ओके ओके, थैंक यू। नो वरीज, थैंक यू। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू सर। ओके, वैसे इस बंदे को तो क्रिकेट पसंद था, और इसका फेवरेट प्लेयर था शेन वॉन, जो कि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर बॉलर है, काफ़ी लेजेंड प्लेयर है। तो काफ़ी बढ़िया लगा है फॉरनर से बात करके मेरे को। तो यहाँ पे आपको पब्लिक सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि पीने का पानी और वॉशरूम। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि धूप थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा पानी पीने, उसके बाद करते हैं ब्लॉग को रीस्टार्ट। एंड ये लगा हुआ है यहाँ पर बोर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पीने का पानी इस साइड में आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पब्लिक सुविधाएं मिल जाए। तो पानी पी के थोड़ा सा
रिलैक्स फील हो रहा है। अभी चलते हैं और आएगा जो एक्सप्लोर करते हैं ब्लॉक को। तो इस तरफ देखिए काफ़ी अच्छे पौधे लगे हुए हैं, कितने सुंदर पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल। और एक साइड ही नहीं, इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं। चलिए आपको उस साइड दिखाता हूँ, उस साइड भी देखिए काफ़ी बढ़िया पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। सो अभी चलते हैं आगे की तरफ। कैन आई टेक पिक्चर विद यू? पर्सन नेम? डेनिस। डेनिस, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम रशिया। रशिया, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओके, डू यू नो हिंदी? नो। नो हिंदी? नो। ओके, यू लव क्रिकेट? नो। यू लव क्रिकेट? ओके, शी इज योर वाइफ? यस। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। वेल, आज का मौसम थोड़ा सा अजीब है, कभी धूप आ रही है और कभी जो धूप जा रही है। अभी देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो गाइस, ये जो आप सामने देख रहे हैं सीढ़ियों वाली बिल्डिंग, ये है सम्राट यंत्र। और इसके द्वारा दिन के सही समय का हम पता लगा सकते हैं सूरज के झुकाव के द्वारा। और ये अंकल यहाँ पे फोटो शूट करते हुए, ये देखिए। तो ये आई थिंक जयप्रकाश यंत्र है, और ये अंदर से ऐसा दिख रहा है। देखिए इसके अंदर साइड सनलाइट आती है, तो उससे हम जो टाइम को मेज़र कर पाते होंगे। मेरे को एक्चुअल तो नहीं पता, बट अभी जो मैं जो सामने देख पा रहा हूँ उसके मैं अंदाज़ा लगा के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं वाला, ये जो आप देख रहे हैं पीछे, उसको चल के देखते हैं कौन सा यंत्र है। लोग काफ़ी कम है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम है लोग यहाँ पे, बट फिर भी। तो भाई अभी हम जो सामने देखने जा रहे हैं उसको आपने कभी ना कभी स्कूल की जीके की किताब में ज़रूर देखा होगा। ये देखिए जो आप सामने देख रहे हैं, रोमांस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं बोल रहा था कि ये वाला जो सामने बिल्डिंग है वो आपने कभी ना कभी अपने स्कूल की किताबों में देखी होगी। तो चलिए चलते हैं और आज इसको लाइव जाकर देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सामने वाला दिल जैसा बना हुआ है, उल्टा दिल। और भाई नाम भी देखिए इसका, मिश्र यंत्र। क्यूट बच्चा। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है मिश्र यंत्र, और ये दिल्ली में जो 1982 में जो खेल हुए थे एशियाई खेल, तो उसमें उसका जो है इसको प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। तो अब चलते हैं द रामा यंत्र पे, और ये दिखता है कुछ ऐसा। ये कुछ कुछ जयपुर वाले यंत्र की तरह लग रहा है यार मेरे को। तो एक बार इसको भी रिकैप कर लीजिए। ओ भाई ये तो हवा महल जैसा लग रहा है मेरे को, पर इसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। अच्छा ये है जयप्रकाश यंत्र, और ये हैं सीढ़ियाँ, पर इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वरना देख कर आते अंदर से। और ये जो यंत्र है ये काम करता है सूरज और सितारों की गतिविधियों को मापने के लिए। और ये कैसे काम करता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फ़िलहाल तो इसमें तारे नहीं मापे जा रहे, फ़िलहाल तो इसमें जो है क्या ही बताऊँगा आपको। पीछे की तरफ काफ़ी सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं, और ये देखिए ये कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गाइस अगर आप भी मिलने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बढ़िया जगह हो सकती है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है पटेल चौक और जनपथ नगर। वैसे तो ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास ही है, तो आपको आने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और पटेल चौक से जो है हार्डली 10 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं। अगर आप ऑटो से आना चाहते हैं तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं। तो ये गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही नए व्लॉग में और नए डेस्टिनेशन के साथ। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और व्लॉग को जो है शेयर कर दिए। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।